अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द लेक्चर नंबर 18 ऑफ द करंट लेक्चर सीरीज फ्यूल केमिस्ट्री। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस द आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स। सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स। नंबर वन इज चारकोल, नंबर टू इज कोक, नंबर थ्री इज पेरिक्यूट्स, नंबर फोर इज ऑयल सेल्स एंड नंबर फाइव इज पुलवराइज्ड कोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चारकोल की। So charcoal is formed by the destructive distillation of wood. Destructive distillation, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि destructive distillation is the heating of the coal at the high temperature in the absence of air. तो इस तरह से हमारे पास solid residue बन जाता है। इसके अंदर basically होता क्या है कि जो non-usable components होते हैं वो escape, उसकी emission हो जाती है और जो carbon होती है वो accumulate हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास सॉलिड रेसिड्यू की फॉर्म में चारकोल की फॉर्मेशन होती है। अगर हम ये जो सा डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन ऑफ वुड है, अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें कि इसकी हमारे पास कौन कौन सी इसके अंदर कंपोजिशन बनती होती है जब हम वुड के डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन करवाते हैं, तो इसमें चारकोल 30-35% बनती है, जबकि जो डिफरेंट गैसेज होती हैं वो 20-25%, जबकि जो कोल था रहता है वो 5-6% बनती होती है। इसके बाद जो सेकंड आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल है, डेट इज कोक। कोक इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन ऑफ कोल। जब हम कोल के डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन करवाते हैं, कोल की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट वगैरह। एंथ्रासाइट को हम यूज नहीं करते होते इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि वो सुपीरियर क्वालिटी है और वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास कोक बनता होता है। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन कोल के अंदर इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें कोक 30-40% बनती है, डिफरेंट जो गैसेज होते हैं वो 20-25% बनती होती हैं, जबकि जो कोल तार है वो 5-10% बनती होती हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल है, पेरिक्यूट्स बेसिकली होता है, इसको हम कंप्रेस्ड फ्यूल भी कहते हैं और इसको हम आर्टिफिशियली जनरेट करते होते हैं। बेसिकली जब हमने फ्यूल को यानी कि कोल वगैरह को ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल करवाना होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फ्यूल होता है उसको हम पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, पहले हम उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं उसकी फॉर्मेशन में, देन हम उसको मिक्स करते होते हैं किसी भी बाइंडिंग मटीरियल के साथ, और बाइंडिंग मटीरियल के अंदर हम हैवी ऑयल को यूज़ करते हैं, कोल तार को यूज़ करते हैं, एस्फाल्ट को यूज़ करते हैं, पिच को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा मोलेसेस वगैरह जो शुगर इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, इसके साथ मिक्स करते हैं। फिर हम इसको हाई प्रेशर इस पर अप्लाई करते हैं और इसको क्यूबिक फॉर्म में लेके आते होते हैं, देन हम इसको इजीली ट्रैवल करवाते होते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, तो इस ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह शीशा होता है, उसके अंदर जो कोल हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में होता है, इस तरह इसको हम बैरिक्यूट्स कहते होते हैं। इस तरह इस फॉर्म में हम इसको लेके आते हैं, देन हम इसको ट्रैवल करवाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, जब हम हमारे पास जो कोल होता है इसको हम मिक्स करते हैं हैवी ऑयल यानी कि बॉन्डिंग मटेरियल के साथ, तो इसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वन क्यूब बैरिक्यूट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल है वो है ऑयल सेल्स। ऑयल सेल्स बेसिकली नेचुरल होते हैं और ये हमारे पास बनते होते हैं कि जब हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं वो जब मिक्स हो जाती हैं रॉक्स के साथ, तो हमारे पास ऑयल सेल्स बनते होते हैं। हमें पता है कि जो पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से होती है, और जो कि सेडिमेंट से बनती होती है जिस तरह क्ले, सैंड वगैरह हो गए, स्मॉल रॉक्स, इनके जब लेयर्स बनती रहती हैं तो काफ़ी देर बाद, लॉन्ग टर्म के बाद, वो बिग स्मॉल रॉक की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते होते हैं। तो जब ये जोन से रॉक्स का मटेरियल जोन सा होता है वो मिक्स हो जाता है पेट्रोलियम के साथ, उसको हम ऑयल सेल्स कहते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह के अंदर ऑयल सेल्स वगैरह को यूज करते होते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ टाइप है आर्टिफिशियल सॉलिड कोल की, डेट इज पुलवराइज्ड कोल। पुलवराइज्ड कोल को हम नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरह से प्रिपेयर करते होते हैं। ठीक है, तो इफ एनी ऑफ सॉलिड फ्यूल इज ग्राइंड, इसको हम बेसिकली क्या करते होते हैं, जो हमारे पास फ्यूल होता है सॉलिड फॉर्म में उसको हम ग्राइंड करते हैं और इसको हम स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में लेके आते हैं, जिसको हम पुलवराइज्ड कोल कहते हैं। इसको हम रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं और ये लेटेस्ट फॉर्म है फ्यूल की, और इसको हम गैस के तौर पे भी बर्न करते होते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास जो सॉलिड फ्यूल होता है उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाय ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। ठीक है, इसको फर्दर हम यूज करते होते हैं सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री। अच्छा, जो सबसे पहला एडवांटेज है पुलवराइज्ड कोल का, पुलवराइज्ड कोल जो होता है ये क्विकली बर्न करता है और उसकी जो कंबस्टन होती है वो कम्प्लीट होती है। ठीक है,
तो जैसा कि हमने देखा था कि जब प्लोराइज को लाते हैं, इसको हम इसकी फॉर्मेशन होती है बाय क्रशिंग एंड ग्राउंडिंग, और इसको हम पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कम्बस्टन होती है वो कंप्लीट होती है और एफिशिएंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो प्लोराइज को लाते हैं, इसकी हम कम्बस्टन हाई टेम्परेचर पर करवाते होते हैं ड्यू टू लो एयर एक्सेस रेशियो, जिसकी वजह से हम इंश्योर होते हैं कि इसकी जो कम्बस्टन होती है वो कम्प्लीट होती है। बेसिकली होता क्या है कि जब इनकम्प्लीट कम्बस्टन होता है तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और आपने देखा था कि वो पॉइजनस और किलर गैस है। जबकि अगर कंप्लीट कंबस्टन होती है तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के होती है, जो कि हार्मफुल नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास जो सा प्लोराइज कोला, इसके अंदर एक और हमें एडवांटेज होता है कि इसके अंदर हम कंबस्टन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि गुड फ्यूल का करेक्टरिस्टिक है। जो फर्नेस होती है उसके अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फर्नेस बेसिकली जिसके अंदर हम प्लोराइज कोल की कंबस्टन करवाते होते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर था उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय वेल्व। वेल्व के लेवल को हम लोअर या राइज करके हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं लॉग रेट फ्यूल के तौर पे। अच्छा, जो इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर क्रिंकल्ड यानी कि जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो नहीं होते, जो कि हाई एश कॉन्टैक्ट का बायस बनते होते हैं। उसके अलावा जो प्लोराइज कोल होता है इसको हम हैंडल कर सकते हैं इजीली, जिसकी वजह से लिक्विड और गैसियस फ्यूल की तरह इसको हम पाइपिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद जो लास्ट इसका एडवांटेज है कि जो एटमॉस्फेयर होता है फर्नेस का, जिसके अंदर हम कोल की कंबस्टन करवाते होते हैं प्लोराइज कोल की, तो उसको हम इट कैन बी यूज इसको हम यूज करते हैं बाय मेंटेन्ड एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका हमें एडवांटेज होता है मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन के अंदर। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन बेसिकली कौन सी होते हैं, जिसके अंदर हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते होते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद लास्ट पे जो साइज ऑफ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्लोराइज कोल, कि जब हम प्लोराइज कोल की ग्राइंडिंग या क्रशिंग वगैरह करवाते हैं तो उसको हम पाउडर फॉर्म में स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होता है उसका साइज क्या होना चाहिए। तो जो 99% पार्टिकल्स हैं उनको पास करना चाहिए 44 मैश सीव से, 80 to 85% पार्टिकल्स को पास करना चाहिए 100 मैश सीव से, जबकि 55 to 60% पार्टिकल्स को पास करना चाहिए 200 मैश सीव से। उसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे पास प्लोराइज कोल होता है इसकी जो बर्निंग होती है वो गैस की तरह होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसके अंदर जो ऐश की प्रोडक्शन होती है उसके अंदर डिफरेंट गैसेज की एग्जॉस्ट होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो बॉयलर या फर्नेस होती है जिसके अंदर हम इसकी कंबस्टन करवाते हैं, उसके अंदर जो मोल्टन ऐश होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर जोन से होती है उसके अंदर हिंड्रेंस क्रिएट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूल की एफिशिएंसी, जो कोल की एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल को डिस्कस किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।